हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप भी मेरे तरीके से मट्ठे के आलू खाने के शौकीन हैं और अभी तक आपको एक अच्छी रेसिपी नहीं मिली है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यूपी की ये फेमस रेसिपी मट्ठे के आलू, छाछ के आलू, दही के आलू, इसे कई नामों से बुलाया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली ये रेसिपी खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है और 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। उबले आलू से इसे कैसे बनाते हैं, आइए चलते हैं इसके बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने 5 से 7 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। इसको अच्छे से छील लिया है और इसको बड़े बड़े टुकड़ों से मैंने हाथ से ही इस तरीके से तोड़ लिया है। आपको चाकू की मदद से नहीं इसे तोड़ना है, हाथ से ही इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे तोड़ लेना है। लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का ऑयल लेंगे और ऑयल जब भी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम हींग और जीरा डाल देंगे। हींग और जीरा डालने के बाद यहाँ पर 3 से 4 साबुत लाल मिर्च मैंने ली हैं और यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसको हमने कूट लिया है। सो लहसुन डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, बट गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा गार्लिक इसमें डालती ही डालती हूँ। ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। बॉयल किए हुए आलुओं को 2 मिनट तक अच्छे से इसमें भून लेंगे। आलू को बेसिकली हमें हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाने देना है। जब तक आलू हमारे हो रहे हैं हम यहाँ पर मसालों की तैयारी कर लेते हैं। सो यहाँ पर बेसिक से मसाले, बहुत ही थोड़े मसाले ही हमें डालने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर हमने बहुत ही थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर लिया है। थोड़े से ही मसाले हमें इसमें डालने हैं। मसाले की क्वांटिटी कम या ज़्यादा की जा सकती है, बट अगर कम मसालों से बनाएंगे तो इसके फ्लेवर्स जो है ना वो उभर कर आएंगे, क्योंकि जैसे हम कढ़ी बनाते हैं ना सिंपल तरीके से, जैसे कढ़ी पकौड़ा बनता है उसी के अकॉर्डिंग हम कम ही मसाले इसमें डालेंगे तो बेस्ट रहेगा। मसाले डालते ही हमें इसमें पानी डाल देना है क्योंकि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि जब हम छाछ डालें तो हमारी छाछ फटे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अमूल का छाछ लिया है और ये छाछ थोड़ा सा खट्टा है। छाछ आपको खट्टा कैसे करना है, जब भी आप फ्रिज में आपके छाछ रखा हो और आपको कल मट्ठा के आलू या छाछ के आलू बनाने हैं तो आप फ्रिज से निकाल कर एक दिन पहले ही इसको बाहर रख लें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आए तो छाछ अपने आप खट्टा हो जाएगा और सब्ज़ी आपकी खट्टी और एकदम बढ़िया सी बनकर तैयार होगी। सो छाछ आपको थोड़ा सा खट्टा लेना है तभी ये आलू का टेस्ट अच्छा आएगा। छाछ हम डाल देंगे कढ़ाई में और जैसे ही छाछ डालेंगे फिर हमें लगातार इसको चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो छाछ जो है ना वो फट जाएगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हमने 1/4 गिलास यहाँ पर पानी और ऐड किया है क्योंकि थोड़े से पतले ही मट्ठे के आलू अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़े नहीं होने चाहिए और इसे पकते पकते इसकी थिकनेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अच्छे से बॉईल आ गया है, आलू हमारे काफ़ी ज़्यादा गाढ़े हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर सॉल्ट डालना है। सॉल्ट हम तभी डालेंगे जब भी आलुओं में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, उससे पहले हमें सॉल्ट नहीं डालना है, अदरवाइज सब्ज़ी हमारी फटी फटी और बेरंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाद के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया है। झटपट 5 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी आप चाहें पूड़ी, पराठे, रोटी के साथ खाएं, स्पेशली राइस के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसमें बनाया है। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। इसको हम मीडियम फ्लेम पर जो है ना पक जाने देंगे। थिकनेस आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा और यहाँ पर हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। चाहें तो आप इसे धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी इसे इंजॉय किया जा सकता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टेम्पटिंग से दही वाले खट्टे आलू तैयार हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा नीचे कॉमेंट करके, और हाँ मिलती हूँ इसी तरीके का नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो लेकर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।